Today on Sand Custom Gruas. The fully customized 1967 Ford Mustang Fastback. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सैंड कस्टम गैराज वंस अगेन। सो दोस्तों, हमारे आज के इस नए वीडियो में आप लोग करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक कस्टम फोर्ड मस्टैंग, जो कि ओरिजिनली तो मैंने खरीदा था, लेकिन इसे पूरी तरह से कस्टमाइज किया गया है सैंड कस्टम गैराज के खुद का स्टाइल में। सो क्या उस कार को देखने तैयार हो? ओके, इस कार पे से आने वाला है 1, 2 and 3। The fully customized custom 1967 Ford Mustang. ये देखिए, custom ready stripes, custom grill, custom window, custom trims, even everything fully customized. So उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। द फोर्ड मस्टैंग तकरीबन 50 सालों से भी ज्यादा समय से अमेरिका की शान रही है। इस कार के प्रोडक्शन सबसे पहले 1964 में शुरू हुआ था, लेकिन मॉडल ईयर की काउंटिंग 1965 से किया गया था। ये कार बेस्ड थी फोर्ड की एक बहुत ही पुरानी मॉडल द नॉर्थ अमेरिकन फैल्कन में, जिसका प्रोडक्शन फोर्ड मोटर कंपनी ने 1959 से 1970 तक किया था। सिर्फ और सिर्फ इसी कार के वजह से द पोनी कार क्लस की शुरुआत हुआ था, और उस जमाने में काफी सारे दूसरे अमेरिकन कार कंपनियों ने भी अपनी खुद के मॉडल्स तैयार किया था, जैसे कि शेवी कैमारो, पॉन्टियक फायरबर्ड, डॉज चैलेंजर और एएमएक्स जैवलिन जैसे कार्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ फोर्ड मस्टैंग को कम्पीट करने के लिए ही बनाया गया था। मस्टैंग में हर साल को कोई ना कोई चेंजेस तो किया ही गया, और इसका साइज साल के बाद साल थोड़ा करके बढ़ता गया। शुरुआत के दशक में मस्टैंग एक कॉम्पैक्ट कार थी, उसके बाद एक पोनी कार, फिर एक मसल कार, और आज आकर एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार। फिलहाल मस्टैंग की जो प्रोडक्शन जारी है वो एक्स वैली में मस्टैंग की 6th जनरेशन मॉडल है, यानी कि मस्टैंग फोर्ड की सबसे पुरानी मॉडल्स में से एक है और सबसे लॉन्ग प्रोडक्शन मॉडल, जो कि तकरीबन 50 सालों से भी ज्यादा समय से प्रोडक्शन में है और अब भी कंटिन्यूसली इसकी प्रोडक्शन जारी है। वैली भी मस्टैंग अब नो लॉन्गर एक क्लासिक मसल कार है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मस्टैंग अब भी एक लेजेंडरी अमेरिकन स्पोर्ट्स कार है। सो ये था कार का एक छोटा सा रिव्यू। ये रिव्यू इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि कार एक्चुअल में कैसी दिखती है। तो अभी वक्त है आप लोग इस कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बताने का, कि जब मैंने कार खरीदा था तब ये कैसी दिखती थी और अब इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है। सो ये कार मैंने आप लोगों को पहले भी मेरे वीडियोस में दिखाया था, लेकिन अभी नहीं, तकरीबन एक साल पहले दिखाया था, जब मैंने कार खरीदा था और इसमें बस मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट किया ही था, तभी बस दिखाया था। हालांकि तब जब मैंने आपको कार दिखाया था, तब कार में काफी कुछ चीजें क्या नहीं गया था, जैसे कि ग्रिल, कुछ चीजें कार में बस कुछ महीने पहले डन किया गया है। सो इसीलिए एक और बार वीडियो बनाना वैसे भी बनता है। तो सबसे पहले बारी आती है कार के फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आपको देखने को मिलेगा ब्रांड न्यू कस्टम ग्रिल। ये ग्रिल जो कि एक्चुअली में शेल्बी GT350 से इंस्पायर्ड है, मैं आपको हुड खोल के दिखा देना चाहूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल एकदम अंडर से पूरा फिट कर दिया गया। सो ओरिजिनली कार में वेल 67 मस्टैंग का स्टॉक ग्रिल फिट था, जो कि मैंने रिमूव कर दिया और मेरे दूसरे कार में फिट कर दिया, लेकिन इस फिर कार के इस ओरिजिनल ग्रिल के जगह में मैंने कस्टम ग्रिल फिट कर दिया। ये ग्रिल जो कि एक्चुअल में पूरी तरह से हैंडक्राफ्टेड है, इसे पूरी तरह से हाथों से बनाया गया है, ये पूरी तरह से कार्डबोर्ड से बनाया गया है और उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग किया गया है, और ये जो कुछ भी आप ब्लैक स्ट्राइपिंग देख रहे हैं ये सब कुछ वाइनल रैपिंग की मदद से किया गया है। ये ग्रिल बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह तो मैंने ग्रिल को कंप्लीट कर दिया, और ये ग्रिल पूरी तरह से शेल्बी GT350 से ही इंस्पायर्ड है। इसी ग्रिल की वजह से ये कार देखने में काफी बहुत शेल्बी मस्टैंग जैसी दिख रही है। इवन मेरा प्लान ही था इस कार को देखने में फोर्ड मस्टैंग से ज्यादा शेल्बी मस्टैंग जैसा बनाना, और इन सब छोटी मोटी मॉडिफिकेशन ने इस कार को काफी बहुत शेल्बी जैसा बना ही रहा है। सो नेक्स्ट बार ये आ रही है कार की रियर एंड की, कार के साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कस्टम विंडो। ये विंडो वेल जब मैंने आपको पहले कार दिखाया था तब भी कार में लगाया गया था, ये काफी समय पहले ही लगाया गया था। ये विंडो एक्चुअली में 65 और 66 की शेल्बी GT350H से इंस्पायर्ड है। सिर्फ ऐसी नहीं बल्कि 65 और 66 की शेल्बी मस्टैंग में ऐसी विंडोज देखने को मिलता ही था। 67 में ये वाला विंडो रिमूव कर दिया गया था, और फिर इस जगह में वो क्रोम प्लेटिंग वाला हिस्सा कर दिया था, क्रोम नहीं, वो बस जो आप लोग तो यार ही होगा, प्लेटिंग कर दिया गया था, लेकिन विंडो वाले सेक्शन को रिमूव कर दिया गया था।
लेकिन मुझे उस प्लेटिंग से ज़्यादा ये विंडो ज़्यादा कूल लगती है, क्योंकि इस विंडो से कार को एक कंप्लीट लुक मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पर विंडो नहीं होती है तो कार देखने में थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट लगती है, और इसलिए मैंने विंडो फिट कर दिया। और यहाँ पर आप लोगों को एक डोर हैंडल्स में भी डिटेलिंग नज़र आएगा, और यहाँ तो ये वाला बीरिंग देख सकते हैं आप, विंडो के एकदम नीचे की बीरिंग, ये भी कस्टम बेंट है और ये भी मैंने अपने खुद के हाथों से तैयार किया है। हालांकि ये वाला विंडो बीरिंग तो नहीं है, ये ओरिजिनली कंपनी से आया था, लेकिन उसके सिवाय बाकी ज़्यादातर चीज़ें ही मैंने ही किया है। सो नेक्स्ट बार याद है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में एक्चुअली में सब मेन मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसकी टेल लाइट्स, ये टेल लाइट्स जो कि एक्चुअली में फुल्ली कस्टम मेड है और इसे मैंने अपने खुद के हाथों से तैयार किया है। ऑफ कोर्स ये 67 और 68 की शेल्बी मस्टैंग से ही इंस्पायर्ड है। फोर्ड मस्टैंग में इस तरह की टेल लाइट्स दिखते नहीं मिलता था, और इन्हीं टेल लाइट्स की वजह से ये कार दिखने में काफ़ी बहुत शेल्बी मस्टैंग जैसी दिख रही है। ये भी बिल्कुल ग्रिल की तरह ही कार्डबोर्ड से ही बनाया गया है, और उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग किया गया है, फिर ऊपर में वाइनल रैपिंग भी कर लिया गया। ये रेत जो दिख रहे हैं आप, ये रेत वाइनल रैपिंग की मदद से किया गया है, और इन्हें डबल साइडेड टेप की मदद से इसे एक्सवेल में प्लेटिंग के ऊपर फिट कर दिया गया है। इनकी कार का जो एक्सवेल टेल लाइट्स था उसके ऊपर बस एक्सेसरीज के टाइप में फिट कर दिया गया है। कार के बॉडी में कोई कट कुट कुछ भी नहीं किया गया है, एवरीथिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कंपनी से आया था, लेकिन बस इन्हें एक्सेसरीज के टाइप में फिट कर दिया गया है। लेकिन हाँ, एक्सेसरीज के टाइप से फिट किया हो या फिर एक्चुअली में फिट किया हो, इन्हीं टेल लाइट्स की वजह से ये कार दिखने में पीछे से काफ़ी बहुत शेल्बी जैसी दिख रही है। और ये रेसिंग स्ट्राइप्स या फिर कहूँ रैली स्ट्राइप्स, ये रैली स्ट्राइप्स भी एक्चुअली में पूरी तरह से हाथों से तैयार किया गया है। ये सब कुछ जो दिख रहे हैं आप, मैंने इसे अपने खुद के हाथों से काटा है। ये वाइनल रैपिंग है और इन्हें मैंने स्ट्राइप में काट दिया है, और फिर इन्हें प्लेटिंग के ऊपर फिट कर दिया है। यहाँ पर जो ये जो क्रोम हिस्सा दिख रहे हैं आप, इन्हें भी हाथों से तैयार किया गया है। यहाँ पर तो एक्चुअली में वेंटिलेशन वाला जो फिर वो बॉडी कलर था, और बॉडी कलर की वजह से वो काफ़ी नज़र नहीं आ रहा था, सो इसीलिए मैंने उसके ऊपर ये क्रोम प्लेटिंग कर दिया। ये छोटी मोटी मॉडिफिकेशन इस कार में जो कुछ भी मॉडिफिकेशन किया गया है वो सब ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी मॉडिफिकेशन ही इस कार को देखने में काफ़ी बहुत कूल बना रहा है। और हाँ, ये अगर आप इस पीछे के विंडो की बात करें तो पीछे के विंडो में भी आप लोगों को अंदर एक टिंटिंग नज़र आएगा। ये टिंटिंग काफ़ी बहुत निकल गया है क्योंकि मैंने इसे काफ़ी समय पहले लगाया था, लेकिन ये ओरिजिनली एकदम क्लियर था, जैसे सामने की विंडो क्लियर है वैसे एकदम क्लियर था, लेकिन अंदर मैंने ये ब्लैक टिंटिंग कर दिया जिसकी वजह से विंडो पूरी जैसे टिंट हो गया है। इस टिंटिंग का बाद में कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि ये काफ़ी बहुत निकल गया है। लेकिन जो भी हो, ये सब कुछ मॉडिफिकेशन मैंने अपने खुद के हाथों से तैयार किया है, और इन्हीं मॉडिफिकेशन की वजह से ये कार देखने में कमाल की दिख रही है। पूरे दुनिया पर ढूंढने पर भी आप लोगों को एक ऐसी मस्टैंग और कहीं में भी नजर नहीं आएगा। वेल, शेल्बी मस्टैंग की स्केल मॉडल्स तो प्रीटी कॉमन है, लेकिन एक ऐसी मस्टैंग जो कि ओरिजिनली फोर्ड मस्टैंग थी लेकिन इसे पूरी तरह से शेल्बी मस्टैंग में कन्वर्ट किया गया है, ये आप लोगों को और कहीं में भी देखने को नहीं मिलेगा। और फाइनली मैं आप लोगों को एक चीज तो बताना ही भूल गया, और वो है इसका कंपनी और स्केल। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये कार इसके साइज देख सकते हैं आप, मेरा हाथ वाकई में एकदम काफी भारी कार है क्योंकि ये बहुत ही हैवी फुल मेटल से बनी हुई है, सो इसीलिए वेल हैवी तो होगा ही, डोर ओपनेबल्स, और मैंने ये कार आप लोग को पहले भी दिखाया था। सो इसका साइज एक्चुअली में 124 स्केल है, हालांकि 124 स्केल के हिसाब से ये कार साइज में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे 124 स्केल की मॉडल्स है, लेकिन उन सभी मॉडल्स से ये कार मुझे ज़्यादा बड़ी लगती है क्योंकि इसकी साइज वाकई में 124 स्केल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं आप। और ये कार एक्चुअली में वेल माइस्ट्रो कंपनी का है, माइस्ट्रो कंपनी का ही कार है और ये 124 स्केल की मॉडल है। इस कार में ओपनेबल डोर्स और ओपनेबल हुड की फंक्शन है, हालांकि टेल गेट ओपन नहीं होती है, अंडर इंजन भी है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था लेकिन फिर भी एक और बार दिखा देता हूँ। सो एक बार आप लोगों को इंजन भी नजर आएगा, ये इंजन देख सकते आप और इंटीरियर भी देख सकते आप, काफ़ी हैवीली मॉडिफाइड स्केल मॉडल है, मतलब हैवीली डिटेल स्केल मॉडल है। इंटीरियर में तो वैसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, एक बार जैसे मैंने खरीदा था अभी इंटीरियर बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि इंटीरियर पहले से ही हाई डिटेल्ड है, सो इसीलिए और कोई मॉडिफिकेशन तो इंटीरियर और इंजन में करने की जरूरत नहीं है। सो इसका प्राइस वैसे मैं भूल गया क्योंकि मैंने इसे काफ़ी समय पहले खरीदा था, सो इसीलिए इसका प्राइस मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको प्राइस डिस्क्रिप्शन में लिख के जरूर दे दूंगा क्योंकि मैं अपना बॉक्स फिलहाल मैंने उस दूसरे रूम में रख के रखा है, सो इसलिए मैं फिलहाल आप लोगों को बॉक्स लाकर प्राइस नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस लिख दूंगा ताकि आप इसे खरीद सकते। हालांकि मैंने ये कार एक शॉपिंग मॉल से खरीदा था, कोई ऑनलाइन मार्केट से नहीं खरीदा था, सो इसीलिए मैं नहीं जानता ये कार ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, लेकिन आप फिर भी जाकर सर्च कर सकते हैं और आप लोगों को शायद ऐसी मॉडल्स मेरे हिसाब से तो शायद मिलेगा। हालांकि जो मॉडल आप लोगों को मार्केट में मिलेगा वो ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि इसे कस्टमाइज किया गया है, आप लोगों को स्टॉक मॉडल मिलेगा। लेकिन जो भी हो, इसमें बस डिटेलिंग ही हुआ है, उसके सिवाय कार ऑलमोस्ट स्टॉक ही है, बट आप देख सकते हैं ये कार एक्चुअली में कस्टमाइज नहीं है, बस हैवीली डिटेल्ड मॉडल है। इस तरह से डिटेल किया गया है ये देखने में और ज़्यादा ओरिजिनल कार की तरह दिखे और पहले से कई गुना ज़्यादा बेटर दिखे।
सो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई कूल कस्टम स्केल मॉडल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू वेरी मच।